हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और आप देख रहे हैं टेक टू मनोज। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कर्सर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा कि आप मैन्युअली कर्सर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर मैन्युअली कर्सर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली फोटोशॉप का यूज़ करना होगा। तो मैं सिंपली फ़ोटोशॉप को ऑन कर लेता हूँ, तो मैंने पहले से ही ऑन करके रखा है। तो इसके अंदर आपको कर्सर डिजाइन करने के लिए आपको सिंपली नए पेज को ओपन करना होगा। तो मैं कंट्रोल एन से नए पेज ओपन कर लेता हूँ, जिसकी विड्थ और हाइट मैं 60-60 रख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखोगे कि आपके पास बहुत ही छोटा छोटा पेज आ गया है। तो इसके अंदर इसको अपने जूम करके इसके अंदर अभी पेज को डिजाइन करेंगे। तो पेज को डिजाइन करने के लिए आप इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। मैं एक सिंपली आपको करके दिखा देता हूँ, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप कर्सर को डिजाइन कर सकते हो, जिस तरीके से आप चाहो। चलिए ये अपने कर लिया है। तो इसके करने के बाद में आप सिंपली पेन टूल का अपने यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपने कलर जोन सा भी आपको अच्छा लगे। चलो मैं ब्लू दे देता हूँ इसके अंदर, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो इसको देने के बाद में आप सिंपली इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से इसको सेव करेंगे और सेव अपने PNG फाइल के अंदर करेंगे। तो मैं सिंपली माउस दे देता हूँ। अब सिंपली मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ इसको। आप इसको क्या है PNG फाइल के अंदर इसको सेव करेंगे। तो ये देखोगे कि हमारा यहाँ पे कर्सर सेव हो गया है। तो अब ये क्या है PNG फाइल के अंदर है, तो इसको अभी कर्सर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो कर्सर को चेंज करने के लिए आपको एक वेबसाइट का यूज़ करना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद में सिंपली इस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। कर्सर का क्या है कि कर्सर का फॉर्मेट है CUR अथवा ANI के अंदर रहता है, तो मैं इसको CUR कर देता हूँ। तो यहाँ से PNG फाइल को कन्वर्ट करेंगे अपने CUR के अंदर। तो यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अपनी कौन सी फाइल को करना है। तो अपने अभी डिजाइन किया है उस फाइल को अपनी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे रख रखी है इसको। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन करने के बाद आपको देखोगे कि यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको। इस कन्वर्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में ये क्या है PNG से क्या है CUR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो और यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको सिंपली डाउनलोड कर दीजिए। और इस वेबसाइट का एक खासियत है कि अगर आप यहाँ से कट हो जाते हो तो आपको माई फाइल के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपने जो भी कर्सर को कन्वर्ट किया है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये डाउनलोड हो गया है। तो मैं सिंपली कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अपने कर्सर को कंट्रोल पैनल से ही चेंज करेंगे। यहाँ पे है, ये माउस का ऑप्शन मिल रहा है अपने को। इसके अंदर जाने के बाद में आपको पॉइंटर्स के ऊपर जाना होगा।
पॉइंटर्स पे आपको ब्राउज करना होगा। ब्राउज करके आप जहाँ पे भी आपने को कर्सर को सिलेक्ट डाउनलोड करके रखा है, तो मैंने डाउनलोड के अंदर रखा है, तो आप वहाँ से इसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये रहा अपना कर्सर। तो देखोगे दोस्तों कि ये अपना कर्सर मैन्युअली डिज़ाइन हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने कर्सर को क्या है डिज़ाइन कर सकते हो, और अपने जैसे चाहो वैसा आप यहाँ पे लुक दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों सिंपल अपने देखते हैं कि आप कर्सर की जगह अपनी फ़ोटो कैसे सेट कर सकते हैं। तो फ़ोटो को सेट करने के लिए आप सिंपली एडोब फोटोशॉप का यूज़ करेंगे। तो चलिए एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड के अंदर रखी हुई है ये इमेज है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखोगे मैंने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब कर्सर को डिजाइन करने के लिए आपको एक नया पेज को ओपन करना होगा। तो अपने सिंपली कंट्रोल अन से एक नया पेज को ओपन कर लेते हैं। वो सेम रहेगा 60x60 का। तो चलिए इसको अपने ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इस फाइल को अपने ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर कर देंगे। यहाँ से इसको यहाँ पे आके सेट कर देंगे, फिर इसको कट कर देंगे, इसको बड़ा करके और कंट्रोल टी से इसको छोटा कर लेंगे, जो क्या है कि इस पूरे इमेज के अंदर आ जाए। अभी थोड़े पिक्सल फटे हुए नज़र आ रहे हैं, पर जब ये कर्सर के अंदर चेंज हो जाएगा CUR के अंदर, तो प्रॉपरली इमेज ही अपने को दिखाई देगी। तो चलिए इसको अपने सेव कर लेते हैं। कंट्रोलर से इसको मैंने सेव कर लिया है। तो दोस्तों आप इसको जिस फॉर्मेट में आप चाहो उस फॉर्मेट के अंदर आप इसको सेव कर सकते हो। तो चलिए मैं PNG के अंदर कर लेता हूँ, आप चाहो तो JPG के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं PNG के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम कोई भी डाल देता हूँ, माउस डाल देता हूँ, माउस बंद कर देता हूँ। चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको फाइल को सेव कर लिया है। तो अब सेव मेथड आपको अप्लाई करना होगा। ये देखिए यहाँ पे अपनी फाइल आ गई है। तो उसको करने के लिए आपको वो सेम ही वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। चलिए मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। चलिए साइट ओपन हो रही है। तो चलिए मैं इसको फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने फाइल ये यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ये कन्वर्ट हो रही है फाइल। इसको कन्वर्ट होने के बाद में सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सर दोस्तों एरर दिखा रहा है। तो अब ये आपके पास एरर आ जाए तो आप सिंपली इसको बैक करके और फिर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसको बैक कर दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे अपनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये डाउनलोड होने के बाद में आप सिंपली वही प्रोसेस अपनाओगे, आप कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे माउस पे जाना है। तो माउस पे जाने के बाद पे यहाँ पे पॉइंटर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो पॉइंटर्स पे आपको क्लिक करके और यहाँ से ब्राउज करना है आपको।
और यहाँ से आपको क्या है कर्सर चेंज करना है। तो जिस डायरेक्टरी में आपने रखा है तो उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाइए। तो मैंने इसको डाउनलोड के अंदर रखा है, तो डाउनलोड के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ओपन करके, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे कर्सर की जगह है मेरी फ़ोटो नज़र आ रही है। आप देखोगे कि यहाँ पे देखो फ़ोटो नज़र आ रही है मेरी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कर्सर पे अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।